केंद्र ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। हम ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं ट्रांसपोर्टरों की मांग पर महाराष्ट्र सरकार के पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए प्रति लीटर वेट कम करने के फैसले का भी स्वागत करते हैं। वही आगे विचार करने की गुंजाइश है ताकि ईंधन की कीमतों को पड़ोसी राज्यों के बराबर लाया जा सके। वही हम सब महाराष्ट्र सरकार के बाद अन्य राज्यों की सरकार की ओर देख रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से उम्मीद में है कि वे ईंधन की कीमतों में और कमी लाने के लिए वेट में कमी की घोषणा करें जो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों के बराबर हो, वो महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत देगा। हम लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा पिछले उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य करों में कमी की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार मोदी सरकार ने जो एक लोगों के हितों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसमें कि पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कमी, डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कमी की घोषणा कर एक बहुत बड़ी राहत लोगों को दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसका स्वागत करती है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इसी के साथ हम राज्यों से भी अपील करते हैं कि जिन्होंने पिछली बार भी एक्साइज ड्यूटी कम होने के बावजूद भी अपने वैट टैक्सेस में कटौती नहीं की थी, वो अपने वैट टैक्सों से कटौती करें और परिवहन उद्योग और लोगों को राहत दें। महाराष्ट्र सरकार से भी अपील है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार से अपील है कि वो अपने वैट टैक्सेस कम करें, क्योंकि महाराष्ट्र में जो तेल की कीमतें हैं उछले स्तर पर हैं और ये बहुत बड़ी राहत महाराष्ट्र के लोगों के लिए होगी, परिवहन उद्योग के लिए होगी। ये हमारी अपील महाराष्ट्र सरकार से भी है और दूसरे राज्यों से भी है और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।